कहने वाले अक्सर कहते हैं, एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लॉकडाउन के दौरान राजधानी रांची के कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। सालों पुराना रोजगार छिन गया तो नए व्यवसाय को अपना लिया। पूरी कहानी दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पैंसठ साल की जुलेखा खातून को अब हिम्मत मिलने लगी है। वो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहती। कुछ महीने पहले तक अपने मोहल्ले में जुलेखा खातून की चर्चा एक ऐसी महिला के रूप में होती थी जिसके हाथों में जादू था। सिलाई का सारा काम वो पलक झपकते कर देती थी, रोज 400 रुपए भी आते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जुलेखा का ये काम छिन गया। कुछ दिन परेशान रही, लेकिन फिर हिम्मत आई तो बाजार में सब्जी लेकर बैठ गई। फिर से 400 रुपए आने लगे। कुछ ऐसा ही हाल शाबित का भी है। कुछ महीने पहले तक शाबित कारपेंटर का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन दिनों नींबू बेच रहे हैं। पहले सिलाई करते थे, दर्जी के काम करते थे, और अभी अब छोटे छोटे बाल बच्चा है तो अभी तो सिलाई बुलाई सब बंद हो गया है, तो सब्जी बेच रहे हैं। आठ आठ नौ को बाल बच्चा है तो हम लोग कौन चीज से खिलाएंगे। देखिए, लॉकडाउन के पहले तो मैं एक कारपेंटर हूँ जो फर्नीचर काम किया करता था। लेकिन अचानक जो ये बीमारी आई कोरोना, उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, तो मोदी जी ने जो ये लॉकडाउन किया, हम तो उनका पालन करेंगे ही, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है, ये पूरे इंसानियत पे ये खतरा, ये जो वायरस है ये फैल रहा है। तो मोदी जी की हम तारीफ करेंगे कि वो लोग तो मतलब अच्छा कदम उठाए लॉकडाउन का। लेकिन एक मसला आ जाता है हमारे पेट का, एक लोअर तबका जो है जिसको राशन हर तरह से मुहैया हो रहा है, सरकार भी दे रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास का तबका है, जो हम लोग है, जो दरअसल कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन ने कई लोगों को परेशानी में डाल दिया है। कुछ लोग ऑटो चलाते थे, ऑटो बंद हो गया। कुछ लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, मालिक ने आने से मना कर दिया, लिहाजा आमदनी बंद हो गई। लेकिन पेट कहाँ मारने वाला था, और इसलिए लोगों ने रोजगार के अन्य साधन खोज लिए। कोई तरबूज बेचने लगा तो कोई सब्जी, कोई कुछ और। परिवार की गाड़ी संकट के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे चल पड़ी है। अगर नहीं बेचेंगे तो बाल बच्चों कैसे खिलाएंगे। पहले ऑटो चलाते थे, अब ऑटो तो बंद है, इसलिए तरबूज बेच रहे हैं। का दुकान था हमारा, तो दुकान बंद है, तो अभी हम बेच रहे हैं सब्जी। लॉकडाउन के दौरान व्यापार बदलने और नए रोजगार की खोज का आइडिया कहां से आया, लोग बताते हैं कि ये सब देश के हित और राज्य सरकार के काम में अपना योगदान देने का एक छोटा सा माध्यम है। वो सरकार पर बोझ इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें दो हाथ दो पैर दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन ने कई लोगों के रोजगार छीन लिए, लेकिन तारीफ करनी होगी ऐसे लोगों की जिन्होंने अपना प्रोफेशन बदल लिया लेकिन सरकार से कोई सहायता नहीं ली। ऐसे ही लोगों की कोशिश से कोरोना इस देश से दूर भागेगा। कैमरामैन हेमंत के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची।